स्टार्ट वीडियो снимаю. Ой, ро. А, машинка, вот смотри, всё поставил. Окей. तो अभी फिलहाल हम रुसलान के घर पे हैं और ये कीरा मैं भी कीरा और ये है मिलाद है तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ खाने में अरे यार ये दही ये सब्जी आलू प्याज की जो रुसलान ने बनाई और ये है थोड़ा सा सलाद और रोटी बाजार से लाया वही रोटी है जो कुछ जैसे प्रेस करके रखी ऐसी रोटी है दही यहाँ पे मिल जाता है तो खाना खा रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे नवासी बिजे से जो रात को ट्रेन है आज इनको बहुत सारा घूमे हम इनके साथ में पूरा फैमिली सब हम लोग नदी में वो बोटिंग किया था काफ़ी मज़ा आया और इधर हमारा ही वीडियो चल रहा है ठीक है थैंक यू वेरी मच मेरी ओर से रुसलान और उसकी फैमिली की ओर से आपने 1000 सब्सक्राइबर लीरा कीरा के पूरा करा दिए मेरे कहने पे तो आपका बहुत दिल से आभारी हूँ अभी आया हूँ मैं रशिया में सिम कार्ड लेने के लिए सिम कार्ड बहुत सस्ता है भाई मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का प्लान टेली 2 सिम कार्ड है उसका नेटवर्क सबसे अच्छा रहता है कजाकिस्तान में भी वही सिम चलता है लेकिन वहाँ पे और टेली 2 का सिम लेना पड़ता है तो वो काम नहीं आती तो टेली 2 सिम का मैं प्लान आपको समझा देता हूँ 450 रूबल इसमें आपको मिलेगी 40 GB इंटरनेट और सारे बंदों को इंटरनेट ही चाहिए 700 रुपये में 50 GB 1500 रुपये में 60 GB प्लस ये सब फ्री चलता है ये वाला सब जितने भी दिख रहे हैं ना व्हाट्सएप टेलीग्राम ये क्या बोलते हैं इसको टिकटॉक ये सब तो मुझे लगता है यही काफ़ी है 450 में आपको 40 GB इंटरनेट मिल जाता है तो ये भाई साहब हमको सिम कार्ड दे रहे हैं इनके पास फ़िलहाल ये तो अवेलेबल नहीं है लेकिन वो दे रहे हैं मुझे 600 रुपये वाली ठीक है यार 200 ज़्यादा दे के भी चल जाएगा कोई नहीं 60 GB इंटरनेट मिलेगा ओके तो भाई फ़िलहाल हम लोग रशिया के रेलवे स्टेशन पे आए थे वक्जाल बोलते हैं ये इंडिया के जैसा ही सिस्टम है यहाँ पे देखो काउंटर लगे लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है रुसोवस से नवासी बीस ये साइबेरिया है वो साइबेरिया में मैंने ट्रेन की टिकट भी ले लिया है अपने को कुछ समझ में नहीं आता कि इधर क्या लिखा हुआ है लेकिन ये टिकट लेके हम उसको समझाएंगे बताएंगे तो वो दे देगा टिकट कलेक्टर अपने को बता देगा 4 नंबर का कोच है और ये एक एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो लेकिन वहाँ पर हम पेमेंट कैसे करेंगे वो आइडिया नहीं है ना और दूसरी बात ये है कि ये ट्रेन कजाकिस्तान से आएगी वही ट्रेन यहाँ से जाएगी तो रात को 11 बजे ट्रेन है और सुबह में हम वहाँ पहुँच जाएंगे नवासी बीस 600 किलोमीटर दूर है तो ठीक है ना रात को ये सोने का भी मिल जाएगा और ये स्टेशन देखो भाई सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है यहाँ पे और काफ़ी साफ सुथरा और बढ़िया है ये टिकट के लिए 3 बारी हैं और ये इधर लिखा हुआ है टिकट के बारे में तो अभी चलते हैं बाहर और टिकट दिया है जैसे कोई बोर्डिंग पास हो वैसा ही कुछ सीन है तो आज ही रात को हमको यहाँ से निकलना है अभी देखते हैं आप ये वही जगह है जहाँ पे हम आए थे आपने देखा होगा शायद कजाकिस्तान से आए तो हम लोग यहीं उतरे थे वहीं पे बस स्टेशन है और ये बड़ा सा वक्जाल जिसको स्टेशन कहते हैं वक्जाल है ना देखो लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं और इस काम में हमारा साथ दिया रुसलान ने फिर से सिम कार्ड भी ले लिया टिकट भी ले लिया ये सब काम हो गया अभी हम चलते हैं यहाँ से घर पे और चाय वाय पीते हैं ताकि सर्दी वर्दी भाग जाए तो भाई इस समय एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है जो रुसोवस से नवासी बीस जो कि 650 किलोमीटर है मैंने ऑलरेडी ट्रेन बुक कर लिया था आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट दिखा देता हूँ तो ट्रेन बुक कर लिया है ऑलरेडी और वो ट्रेन करीबन 2000 रुपये की हुई रुसलान ने मुझे इसमें हेल्प किया और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ नवासी बीस के यहाँ पे 3 दिन रुका बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए फ्रेंडली बन गए तो मुझे लगता है मैं जा रहा हूँ तो मुझे खुद दुख महसूस हो रहा है कि यार ये छोड़ के क्यों जा रहा हूँ अपने घर जैसा फील होने लग गया तो इसके लिए थैंक्स ए लॉट फॉर होस्ट मी एंड यू आर वेलकम या एवरी टाइम आल्सो नासिया लियोन आर्चोम लियरा कीरा मिलादा ऑल सो सभी का आपकी और मेरी ओर से बहुत आभार इन्होंने बहुत खातिरदारी की और बहुत सेवा करी ऐसा मैंने सोचा नहीं था इसकी वजह से अपने को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली तो हम चलते हैं यहाँ से आगे और इनका एक बार फिर से थैंक यू बोल देते हैं थैंक्स टू लीरा कीरा थैंक यू मिलाद थैंक यू बाकी नास्या को भी थैंक यू बोल देते हैं और फिर चलते हैं हम यहाँ से आगे नास्या थैंक यू वेरी मच
स्पाइसी बार, स्पाइसी बार। उसने तो बहुत घुमाया भाई कसम से, तो बहुत अच्छी ये है और अच्छा लगा मिलके। थैंक यू स्पाइसी बार, मिस यू, थैंक यू, ओके बाय। चलते हैं फिर यहाँ से आगे, अब हमारा बैग बैग उठाते हैं और चलते हैं ट्रेन स्टेशन पे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय। टैक्सी आ चुकी है भाई हमारी और यहाँ पे वेट कर रही है। ओके ओके, गुड लक माय फ्रेंड, थैंक यू, यू आर वेलकम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। तो भाई अभी रात के 10 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूं रशिया के रेलवे स्टेशन पे जिसको वग्जाल बोलते हैं। अभी 10:30 बजे, अभी भी यहां पे लाइट है, आप देख सकते हैं अंधेरा नहीं हुआ है और यहां पे टेम्परेचर कोई 20 के आसपास दिखा रहा है और ये देखो ऊपर आपको 10:30 बजे दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं स्टेशन में, हमारी ट्रेन आने का समय हो गया, शायद आ भी गई हो तो मुझे पता नहीं। लेट्स गो, फिर मैं मिलता हूं आपको ट्रेन में बैठ के, बाय। तो ये रशिया का स्टेशन जिस पे आपको टेम्परेचर और टाइम दोनों दिखाएगा और ये इस सिटी का नाम है रुप्सोवोस्क। ये साइबेरिया है और साइबेरिया की राजधानी है वो कैपिटल जिसको बोलते हैं नोवासिब्रिस्क। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जब ठंडी होती हैं और यहाँ पे लेक बाइकल भी है थोड़ा इस तरफ इर्कुत्स्क के पास में, उस तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से मॉस्को जाने में भी 4 दिन लगते हैं, मतलब नोवासिब्रिस्क से। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र हो जाएगा, लेकिन आज की रात यहाँ से नोवासिब्रिस्क करीबन 650-650 किलोमीटर है। तो अभी मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, 10:30 बज गए यहाँ पे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइट है यहाँ पे दिख रहा है वैसे भी और बादल है, काफ़ी अच्छा स्टेशन है। और यहाँ पे जो ट्रेन आने वाली है ना, वो ट्रेन वही है जो कजाकिस्तान से आती है, किर्गिस्तान वाली वही ट्रेन है जो हफ्ते में इधर मेरे को लगता है 2 दिन चलती है या 3 दिन चलती है, आज है उसके बाद कल नहीं परसों नहीं उसके नेक्स्ट दिन है। तो आज इसका ट्रेन का 600 किलोमीटर का 1900 रूबल करीबन 2000 रुपये लग रहा है, कल मैं देख रहा हूँ उसका 2000 से भी ज़्यादा दिख रहा है। ये थर्ड क्लास है और उसके बाद फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास है उसमें कोई 3000 ऊपर रूबल लग रहा है, रूबल मतलब वही रुपये के बराबर ही है, तो उस हिसाब से यहाँ का हिसाब किताब है। तो अभी यहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये सब बैग वगैरह, और जिस घर पे मैं रुका था ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बहुत बुरा लग रहा था, रोना भी आ गया था गाड़ी में, सच बताऊँ तो उस फैमिली से मैं जुड़ गया था इसलिए। तो चलो फिर मिलते हैं आपको ट्रेन में, ट्रेन आने वाली है, लेट्स गो। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन आ रही है, जो टाइम लिखा उसी टाइम से ही बिल्कुल आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ का ट्रेन का सिस्टम भाई गजब है यार, परफेक्ट टाइम से आती है। ये है हमारा 4 नंबर कोच, इस पे साइड में लिखा होता है कागज़ से 4-5 ऐसे पुराने पुराने कोच है। तो अभी इस पे दिखाते हैं आपको 4 नंबर कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, ये वाला इधर बारी पे, वही भाई ट्रेन पूरी पूरी खाली दिख रही है। तो भाई फाइनली हमारी सीट मिल गई है, ये वाली है स्लीपर, नीचे कोई सो रहा है, दादा हमारे साथ हैं। यहाँ पे भी ये चादर वगैरह दे दिया है, अभी तो लोग सो रहे हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करूँगा मैं। और ये भाई हेल्प करने के लिए तैयार हुआ है कि कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, ये कजाकिस्तान से है, येल्दर इनका नाम है, ठीक है, बाकी बाद में बात करूँगा। तो भाई फिलहाल हमारी ट्रेन जा रही है और अंदर बैठने के कुछ ही मिनट बाद में जो रिश्वत खोरी वाला काम है वो चालू हो गया। वो मुझे बोला कि तुम्हें सीट चाहिए तो बताना बढ़िया वाली जिसमें कंपार्टमेंट वगैरह होता है, ऐसा आगे एक्स्ट्रा देना हो तो, बोला नहीं चाहिए भाई चलेगा ये, ठीक है।
फाइनली वासी बीच के पहुंच गए हैं भाई। लो भाई इस ट्रेन में हम लोग आए और बड़ी ऊंची ऊंची ट्रेन है, हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं भाई प्लेटफॉर्म नीचा इसलिए भी हो सकता है। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। स्टेशन से बाहर जाते हुए बैग वगैरह स्कैन किए भाई सब, और ये स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा बहुत खूबसूरत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तो भाई सुबह सुबह हम पहुंच गए साइबेरिया की राजधानी नोवासिबिर्स्क, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये एच लिखा है उसका मतलब नया होता है, तो इधर देखेगा कुछ और ही होबा ऐसा कुछ देखेगा, लेकिन अक्सर लगभग बराबर ही होते हैं नोवासिबिर्स्क और अपने वाले, तो आप उसको समझ सकते हैं। और यहाँ स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, उसके बाहर देखो आपको नज़ारा कैसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत और बड़ा स्क्वायर देखने को मिलता है। और सामने ही रोड है, सामने ही आपको सिटी बस मिलती है और सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी शानदार है। अभी हम चलेंगे हॉस्टल पे और ये देखो नज़ारा देखो, सीन देखो बहुत बढ़िया है। चलते हैं फिर आपको आगे, थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन बनता है। 2-2.5 किलोमीटर जाना है तो मुझे नहीं पता अभी कैसे जाऊँगा, देखते हैं। तो भाई बस मिल गई है और ये 2G एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करते हैं तो आपको सब आसानी हो जाती है। 20-25 रुपये लिया होगा 2-3 किलोमीटर जाने का, और इसमें देखते रहने का आपका स्टेशन आए जब भी। तो ये छोटी सी बस है, मिनी बस एकदम छोटी सी, तो शायद ये बहुत सस्ती और चीप भी है, और इसमें आपको लाइव लोकेशन भी दिखाता है, बेस्ट एप्लीकेशन। तो मिनी बस का सफ़र ख़त्म हुआ, आसपास अभी भी बिल्डिंगें दिख रही है, तो अभी ढूंढते हैं अपने हॉस्टल को, कहाँ पे दिखेगा पता नहीं, शायद यहीं आसपास ही कहीं होगा मुझे लगता है, तो देखते हैं आपको बताते हैं। ये पहली बार सिटी में एंटर हुए तो पहला अनुभव है, अब यहीं से मुश्किलें शुरू होती है बंदों के लिए, तो अब यहाँ से आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेशन 2GIS यूज़ करना है और अपनी लोकेशन को ढूंढना है, नाम लिखना मुश्किल है रशियन भाषा में, वो कैसे ढूंढोगे वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको गूगल और 2GIS दोनों का, गूगल मैप और 2GIS दोनों का साथ में उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको नाम वाम पता नहीं चलेगा। तो नाम के लिए आपको गूगल मैप और वैसे गाड़ी बस के लिए आपको 2GIS यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे उस तरफ जाना है लेकिन रोड क्रॉस यहाँ से वैसे नहीं कर सकते, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो भाई तंत्र कुछ ऐसा है, और पिछले एक वीडियो में भाई साहब बोल दिया, तो यार कभी कभी है ना भाई साहब से ज़्यादा बात कर रखी होती तो भाई साहब आ जाता है कभी कभी, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, भाई साहब बहन जी हो एक ही बात है, कम से कम रिस्पेक्ट तो किया ही है, खराबी तो उसमें क्या हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे ये वाले नाके से, जब तक टाइम है तब तक करो, नहीं टाइम है तो इसको भी नहीं करना चाहिए। अब देखो बस शुरू हो गई, सामने लाइट दिखाएगा तभी जाना है, देखो रेड लाइट दिख रही है आपको, और यहाँ पे तो ट्राम भी चलती है भाई, देखो छोटी छोटी पटरियाँ बनी हुई है। तो वही हॉस्टल में भी वही का वही सिस्टम है जो घरों में होता है, तो दरवाज़ा खोल के अंदर जाना कैसे वो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी एक बंदा यहाँ पे मिल गया, उसने खोल के अंदर तो मुझे भेज दिया। अब अंदर जाने के बाद वो बोलते बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने पड़ते हैं, तो पता नहीं कैसे क्या रजिस्ट्रेशन कर रही है, बोले गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, तो मैंने बोला भाई कर दो और क्या, हमको क्या दिक्कत है। ये भी एक बंदा कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं, ये गेट नंबर से खोलना पड़ता है, ऐसा कुछ सीन है, मेन गेट को खोलने के लिए यहाँ से दबाना होता है। ये देखो ये गेट पे नंबर लिखा है ना, उसी नंबर से आपको गेट खुलेगा, लेकिन जब हम पहली बार नए आते तो आपको गेट कैसे खोलोगे पता ही नहीं होता ना, वो तो बात है, यहाँ पे कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा। इसके ऊपर ही हमारा हॉस्टल है। अभी हम चलते हैं मैगजीन में और वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं,
खाने पीने का और फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने यहाँ मैगजीन से ख़रीद लिया दूध, मलाको, दही, किफिर, ब्रेड और बटर, ये सब मैगजीन। आप किसी को भी बोलोगे यहाँ पर जो सुपर मॉल होता है उसको मैगजीन बोलते हैं, वहाँ से मैंने ख़रीद लिया। अब मैं जाके थोड़ा नाश्ता वास्ता करता हूँ, चाय वाय पीता हूँ और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब वाकई रशिया में आके बुरा फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं जैसे हॉस्टल में आया हूँ यहाँ पे मुझे बोला गया कि जो 500 रुपया रूबल जो मेरे लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बोला गया कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एक ऑफिस है सरकारी, उसमें तो उसके लिए आपको 300 रूबल और देना पड़ेगा। मतलब हर जगह जहाँ पे जाओगे वहाँ पे आपको 300 रूबल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये कौन सी बात हुई, मैंने ना बोल लिया भाई, मैंने बोला यहाँ से मेरे को निकाल दो, मैं पैसा मेरे पास नहीं है इतना, मैं बजट ट्रेवल करता हूँ, 500 आपको दूंगा, 300 उसको दूंगा, हर बार ऐसे करता जाऊँगा फिर मेरे को कहाँ तक जाएगा। तो फिर वो पता नहीं चली गई, बोले कि ठीक है मैं मेरी जेब से दे दूँगी, ऐसा करके मामला क्या होगा मुझे नहीं आइडिया। और ये है हॉस्टल मैं जहाँ पर रुका हूँ। अब ये रजिस्ट्रेशन वाला ये सब झमेला तो भाई बहुत ज़्यादा है यार, पता नहीं ये रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। जांच भी काफ़ी हो रही है, बोले आपको बाज़ार में जाओगे तो कुछ पकड़ भी लेंगे, तो मैं आपको एक कागज़ बना के देती हूँ वो आपको रखना है बाजू में। ये कौन सा सीन हो गया, इधर लूटपाट वाला काम हो गया ये लोगों का।